आज संगम घाट पे हमारे मास्टर ट्रेनर ने यहाँ के गोताखोरों मलाहों को विशेष ट्रेनिंग दिया। इसमें डीप डाइविंग है, उसके पानी के अंदर जाकर कैसे कोई भी डूबते हुए विक्टिम को, पेशेंट को लाना है, और उसे कई तरह के टेक्निक बताया, जैसे हम लाइफ बाय थ्रोइंग करके और उसके बाद चीन लिफ्ट करके, कई तरीके हैं जिससे हम विक्टिम को ला सकते हैं। जैसे अगर कोई विक्टिम डूबा हुआ है काफी समय पहले से भी, तो उसी भी अगर कोई सिंगल लेडीज क्यूअर है तो उसको घाट पे कैसा लाया जाए, इस तरह से कई सारे टेक्निक हमने बताए। अगर कोई एक घंटे से भी डूबा हुआ है तो उसे भी हम यहाँ CPR लाकर उसे जीवन प्रदान करने की कोशिश करेंगे। 11 इंस्पेक्टर प्रिय रंजन, 11 NDRF वाराणसी। आगामी कुंभ मेले के मद्देनजर और नाविक जो यहाँ लोकली काम करते हैं उनमें अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो वो किस तरह से लोगों का बचाव करें, इसी पे एक आज ट्रेनिंग अभ्यास था। यहाँ के जो जितने भी लोकल नाविक ऑपरेट करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो डूब रहा है इनके सामने या नाव पलटने की स्थिति में, ये किस तरह से उनको बचा के किनारे लाएं या उनके पेट से पानी जैसे निकालना, या फिर उनकी किस तरह से मदद करें, बचाव और राहत का कार्य करें, इसी पे आज का ट्रेनिंग था। कुल कितने टीमें रहेंगी एनडीआरएफ के कुंभ मेले के दौरान? कुल 11 टीमें रहेंगी, जिसमें 8 टीमें वाटर इमरजेंसी के लिए है, पानी के लिए हैं, 2 टीमें कोलैप्स स्ट्रक्चर या कहीं शहर में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या अन्य जगहों पे कोई हादसा हो जाता है उसको देखने के लिए, और उसके साथ साथ एक CBRN की टीम रहेगी। अगर कोई केमिकल या रेडियोलॉजिकल ऐसी कोई प्रॉब्लम बनती है तो वहां राहत और बचाव कार्य किस तरह से चलाना है, CBRN टीम के। TL शर्मा, डिप्टी कमांडर एनडीआरएफ।